सो हे व्हाट्स अप गेमर्स, मेरा नाम है कुश गेमिंग और आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं ग्रेवी टू, वो भी माइनक्राफ्ट में। सो यहाँ पे एक डिसेंट सा प्ले बटन है एंड यहाँ पे इसकी लॉबी बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, मतलब टेक्सचर्स इन्हें चेंज किए हैं एंड यहाँ पे इसे बनाया है, उसका चैनल का नेम है इट्स रन फायर एंड उनने ये पूरा बनाया है ग्रेनेड टू का मैप माइनक्राफ्ट में, वो भी पॉकेट एडिशन में। सो फिर यहाँ पे सो फिर यहाँ पे मेरा डे वन स्टार्ट हो चुका है एंड मैं घर पे यहाँ पे आ चुका हूँ ग्रैनी के पॉन्ड रूम में आ चुका हूँ मैं ग्रैनी के। और यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है बैरल में। सो फिर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, सो फिर हेलीकॉप्टर की ओके सो फिर मैं हेलीकॉप्टर एस्केप कर सकता हूँ एंड इसके आगे का पूरा क्लिप मेरा डिलीट हो गया था क्या पता किस वजह से एंड मैं इस गेम को फिर से नहीं खेलना चाहता था, इसके लिए मैंने इतने सीन को कट कर दिया। ओके सो फिर यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ ग्रैनी के और ये मैं डायरेक्ट बेडरूम में आया हूँ। सो चलो इधर से मैं विंडो से आता तो इस तरफ एंड शायद ये क्रोबार से खुलेगा एंड यहाँ पे और क्या क्या रूम्स हैं। सो ये तो बेडरूम हो गया हमारा और यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूम भी है जो ग्रैंडपा को मारने के बाद मिलने वाला है। सो फिर चलो उसको फटाक से मारते हैं और सिक्योरिटी भी लेके आते हैं। फिलहाल इस बैरल्स में कुछ भी नहीं है इन बैरल्स में। सो फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे एक डोर हैंडल मिल गया है ओके नाइस एंड अभी यहाँ पे है चेस्ट है अ पीस ऑफ पिक्चर ओके वेट इधर पूरा पिक्चर ही है वेट व्हाट ये ग्लिच विच है क्या कुछ, कोई बात नहीं मेरे लिए तो अच्छी बात है। सो फिर चलो फटाफट यहाँ पे मेरे को किसी की आवाज़ आ रही है पर चलो वो भी चलो फटाक से मैं किचन चेकआउट कर लेता हूँ ओके सो कोई भी नहीं किचन में ये सही मौका है भाई। सो फिर चलो फटाक से हम लोग चलते हैं बैलेट को चेक करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है सीरियसली एंड यहाँ पे ग्रैनी का रेडियो भी हम लोग बजाने वाले हैं अभी। फिलहाल मैं थोड़ा लूटपाट तो कर लूँ यहाँ पे सो फिर चलो फटाफट हमें लूटपाट करते हूँ मैं ओके सो फिर इस बैरल में है ओके स्टन गन मिल गई अभी तो मैं रेडियो बजाने के लिए पूरा तैयार हूँ ओके क्रोबार भी मिल गया ओके एंड यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं। सो चलो अभी फटाक से रेडियो बजाते हैं, मैं तो बोलता हूँ इन बैरल को भी खोल लेता फिर ही करता हूँ ना पीछे से कोई धप्पा कर दिया तो ओके सो फिर इस बैरल में हेलीकॉप्टर मैनुअल है ओके हम लोग को हेलीकॉप्टर एस्केप में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है वेरी नाइस एंड ऊपर क्या है कुछ भी नहीं है ओके सो मैं क्या करूँ अभी रुकू के ऐसे ही जाऊँ रेडियो बजा के ट्राई करता हूँ यार एक बार नहीं रहने दो क्रोबार का पहले काम कर लेता हूँ मैं तो फिर चलो फटाक से क्रोबार का काम करके आते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे बाद में ग्रैनी को बुला के रेडियो बजाएंगे। सो फिर चलो फटाक से यहाँ पर चलता हूँ मैं एंड ओके खुल गया क्रोबार से ऑटोमेटिकली क्या पता कैसे ओके स्पार्क प्लग ओके हेलीकॉप्टर एस्केप में स्पार्क प्लग किधर काम आती है नहीं मेरे को नहीं पता किधर काम आती है ओके सो फिर चलो फटाफट हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे कोई भी ऊपर आया हो तो फिर उसको धमाधम धमा मारते हैं अपने स्टनगन से एंड मेरे को नहीं लगता कोई आया है। फिलहाल मेरे को सिक्योरिटी की चाहिए होगी हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए जो कि ग्रैंडपा से ही मिलने वाली है एंड ग्रैंडपा फिलहाल कहीं दिखे ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को ओके नीचे ही चलना पड़ेगा मेरे को लगता है एंड यहाँ पे होप सो कोई भी ना हो। आज वो ग्रैनी नहीं दिख रही बोलती रहती दिन भर वेयर आर यू ओ दिख गई ग्रैनी दिख गई पहले इसको मारते हम लोग एंड ग्रैंडपा किधर है ग्रैंडपा किधर है ग्रैंडपा किधर है वेट सेकंड फ्लोर पर नहीं तो किधर इधर है इधर तो नहीं होना चाहिए ग्रैंडपा को वहाँ इधर कैसे आएगा वो तो नीचे तो जा नहीं सकता तो अभी एक बार चेक कर लेता हूँ वेट नहीं है इधर भी इधर रहता तो अभी मैं मर जाता था ओके नहीं है ग्रैंडपा इधर भी तो किधर होगा ग्रैंडपा वेट मैंने सब जगह चेक कर लिया ना फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर पे मैंने देखा सेकंड फ्लोर भी मैंने देख ही लिया ओके ग्रैनी फिर से आ गई क्या पता कैसे इतने जल्दी स्पॉन हो गई ग्रैनी मतलब इसका वन मिनट सिर्फ फेक टाइमर है एक ओके वेट इसके लिए वेपन की चाहिए रहता ना वेपन की वेट है ये क्या ओके ग्रैनी स्पॉन हो जाए इससे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा ओके गैस और लीन मिल गया यहाँ पे ओके फिर चलो फटाक से हम लोग ग्रैंडपा को ढूंढते हैं एंड थोड़ा सेकंड फ्लोर भी हम लोग घूम लेते हैं ये बैरल्स को चेक करते हैं एंड नीचे वाले बैरल में कुछ भी नहीं है ऊपर वाले में भी कुछ भी नहीं है वेट ग्रैनी फिर से स्पॉन हो गई व्हाट यार ऐसे तो चलेगा नहीं
ये क्या कर सकते हैं ग्रैनी को ब्लॉक करने के लिए? कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल मेरे पास। तो ग्रैंडपा तो हमको चाहिए ही चाहिए, सिक्योरिटी की उसके पास ही है। तो फिर अभी हम लोग क्या करें? ये तो मैंने चेक कर लिया, ग्रैंडपा बोट के इधर हो सकता है। वेट, हाँ मैंने वो जगह चेक नहीं की है। सब पहले इसको खोलता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को वायर कटर्स मिल गए, यानी कि कटिंग प्लायर्स मिल गए हैं। सो फिर चलो फटाक से चलते हैं नीचे। एंड पहले मैं देख लेता हूँ ग्रैनी तो नहीं आ गए ना फिर से, क्योंकि मैं उसको मार के खुशी खुशी आ रहा हूँ और ग्रैनी आ जाएगी तो फिर वो मेरे को पीछे से मार देगी। ओके सो जहाँ तक मेरे को लग रहा है एरिया साफ़ है। एक बार ऊपर भी चेक कर लेता हूँ मैं, अगर ऊपर ग्रैंडपा हो गया तो, हुआ तो फिर ऊपर। ओके सो फिर मेरे को नहीं लगता ऊपर ग्रैंडपा है फिलहाल, क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया है। सो फिर क्या करूँ? ओके सो फिर अब एक काम करता हूँ मैं कि मैं रेडियो बजाता हूँ, ग्रैनी को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। शायद मेरे को नहीं लगता माइनक्राफ्ट में ग्रैनी के पास इतनी हियरिंग एबिलिटी होगी, फिर वो आएगी मेरे पास रेडियो सुनेंगे। फिलहाल तो ये गाना वही ग्रैनी के घर का ही है, मैं कॉपीराइट की वजह से इसको नहीं सुना सकता तुम लोगों को। सो फिर यार मेरे को समझा नहीं इसमें ग्रैनी नहीं आ रही है, थोड़ी देर और रुकता हूँ, अगर ग्रैनी आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर चलो चलते फिर ग्रैंडपा के पास। ओके सो फिर चलते हैं हम लोग फटाफट से ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, मेरे को तो वहाँ पे ग्रैंडपा लग रहा है। एंड होप सो ग्रैनी फिर से स्पॉन ना हुई हो, वैसे अभी मैं उससे डरता नहीं हूँ। तो फिर चलो फटाक से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाके देख ही लेते हैं। मेरे को फाइनली लग रहा है कि वो बोट रूम में ही होगा, क्योंकि मैंने सब रूम तो चेक कर लिए हैं एंड इसके अंदर तो नहीं है, नहीं है। सो फिर इस रूम के अंदर ही चलते हैं हम लोग, बोट वाले रूम के अंदर। एंड यहाँ पे शायद मेरे को ग्रैंडपा दिखने वाला है। ओके वेट, ये उधर क्या कर रहा है ग्रैंडपा? ये उधर क्या कर रहा है? ओके सो फिर यहाँ पे मेरे को ग्रैंडपा मिल चुका है, इसका भी गेम बजाते हैं फटाक से। और यहाँ पे ग्रैंडपा इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 1 मिनट। एंड ये कितनी मस्त चीज़ है, ग्रैंडपा भी गया। एंड ये यहाँ पे कर क्या रहा था मेरे को वो भी नहीं समझा, पानी में नहा रहा होगा, इसके घर पे बाथरूम तो है वैसे, शावर भी उसके अंदर, कोई बात नहीं, मेरे को क्या पता क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शायद वो ऑक्टोपस से मिलने आया होगा, वही ऑक्टोपस। तो फिर मेरे हाथ में अभी सिक्योरिटी की है, चलो फटाक से ऊपर चलते हैं। एंड जरा अपने हेलीकॉप्टर पे थोड़ा, ओ ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई। स्टनगन किधर? भाई कितने पास में ग्रैनी। ए वेट, ग्रैंडपा भी आ गए, इसको भी मार देते हैं। सो फिर दोनों जन मर चुके हैं यहाँ पे। फिर चलो फटाक से हम लोग ऊपर जाते हैं, फटाक से मेरे को सिक्योरिटी रूम में जाने का है। एंड यहाँ पे मेरे को फटाक से जाता हूँ मैं। एंड उसे दो रूम्स है ना शायद, तो फिर ये ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे मेरे को सेफ की मिल गई, वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है, सेफ की मेरे को यहाँ पे मिल गई। एंड यहाँ पे गेट तो खुला ही हुआ है। तो फिर चलो वेट, हाँ ये पजल था ना एक, हाँ मेरे को याद है, इसको ओपन कैसे करते हैं? वेट हैं, एक क्रोबार से ओपन होता था ना? नहीं, वायर कटर से होता होगा, तो फिर शायद इसको कट विट करना पड़ता होगा। नहीं हो रहा है, मेरे को कमेंट में बताओ कैसे करते हैं, मेरे को नहीं याद है यार। क्रोबार से भी नहीं हो रहा है और वायर कटर से भी नहीं हो रहा, तो रहने दो मैं पीछा पिक्चर लगाता हूँ। एंड फिर चलो फटाक से वो डोर ओपन हो गया। एंड यहाँ पे मेरे को शूट करने का है, शूट के हाथ से बटन प्रेस कर देता हूँ। एंड गेट ओपन हो गया है यहाँ पे। ओके सो फिर चलो अभी मेरे को यहाँ पे मेरा हेलीकॉप्टर दिख रहा है, बाहर ही है। एंड मेरे पास सब सामान भी, तो चलो एस्केप कर देते हैं यहाँ पे। ओके सो फिर मैं यहाँ पे डक्ट टेप लगाता हूँ। एंड ओके फिलिंग एंड द एंड, यू एस्केप्ड, मेरा गेम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। एंड मैंने पूरी वीडियो पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, सो फिर तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ गाइस। मैं बहुत ही करीब हूँ 100 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए, सो फिर प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। एंड यार प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। एंड इसकी सभी भी डाउनलोड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो फिर तब तक।